जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि अब आप सभी को पता है कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है कि जो SSC GD की जो फाइनल मेरिट की डेट है वो आ चुकी है। अब जितने भी ये फेक वीडियो, जैसे कि मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बनाया था कि ये लोग जो फेक डेट दे रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, फेक ऐसे ही फालतू के सिग्नल दे रहे हैं, वो सब गलत है। जब SSC GD की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी स्टेटस रिपोर्ट या उसकी वजह सिर्फ इतना सा लिखा आएगा कि SSC GD की जो फाइनल मेरिट की डेट है वो कितनी है। तो दोस्तों, वो डेट आ चुकी है, अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और अब बहुत ही जल्द आपकी डेट और उसके एक महीने बाद में आप ज्वाइनिंग मान लीजिए, यानी 20 जनवरी 2021 को आपकी फाइनल मेरिट की डेट आ चुकी है और उसके एक मंथ बाद में यकीन 21 फरवरी 2021 तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। दोस्तों, तो अब ध्यान रखें और आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आपके साथ साथ हमारे लिए भी है, क्योंकि हम आपसे इतने दिनों से जुड़े हैं तो हमारे लिए भी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है। आपकी जो मेरिट से संबंधित सारी जो समस्याएं, कहीं के शक है, डाउट है, क्लियर होने वाले। दोस्तों, तो आज सुबह की जो स्टेटस रिपोर्ट, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बार बार जो वायरल कर रहे हैं डेट, कोई 5 जनवरी बता रहा था, कोई 3 जनवरी, कोई दिसंबर बता रहा था अभी तक, लेकिन अब ऑफिशियल वेबसाइट SSC.NIC.IN पर, जो कि आप देख रहे हो, इस पर ये फाइनल मेरिट की डेट आ चुकी है। दोस्तों, तो अब 20 जनवरी का आपको इंतज़ार करना है और बाकी सावधानी भी रखनी है साथ में आपको, क्योंकि 20 जनवरी को अगर रिजल्ट आ रहा है, और कुछ लोग जो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि दोस्तों कि सर हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, ये सर्जरी करा लेंगे, तो अभी कुछ नहीं कराना दोस्तों, क्योंकि आपकी एक महीने के बाद में यानी 21 फरवरी 2021 से पहले आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। दोस्तों, तो आप कोई भी सर्जरी अर्जरी ऐसा कुछ ना कराए और अपना ध्यान रखें, सावधानी रखें, और आपकी जो फाइनल मेरिट की डेट है वो 20 जनवरी 2021। दोस्तों, तो उस दिन हमारी सबकी आपसे बात होगी, किन किन के नंबर आते हैं, किन किन की लॉटरी निकलती है, और जो भाई बच जाते हैं वो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आगे और मेहनत करना और अच्छी तैयारी करना है, इसलिए फालतू टेंशन नहीं लेना है। और जो पढ़ना चाहता है अभी भी, जो मेरे चैनल से नए लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा अभी भी, वो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी है, उस पर मैं आज से मैथ और रीजनिंग के वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो आप सभी उधर भी जुड़ सकते हो। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, आपको और जो आपके छोटे भाई है वो हमसे जुड़े रहेंगे, लेकिन आप जितने भी, आपको पता है SSC GD बहुत ही बड़ा मेरिट है, कोई छोटी मेरिट नहीं है। आप 60-65 हज़ार के आसपास के जो जवान हैं वो फौजी बनने वाले हैं, तो नवनिर्वाचित जो फौजी बनने वाले हैं, पहले जिनको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, आपका शुरू हो जाएगा 20 जनवरी को। हाँ, जैसे आपकी फाइनल मेरिट आएगी उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जो फाइनल मेरिट जब आपकी आ जाएगी तो उसके कुछ दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे रिजल्ट के बाद में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है इस बार ऑनलाइन भी दे, अगर ऑनलाइन नहीं दे तो आपके जो पोस्ट ऑफिस है उससे आप कनेक्टिविटी बना के रखिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आता है। और ज्वाइनिंग लेटर के पीछे जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आते हैं उनको आपको सत्यापित करवाना पड़ता है, एक पुलिस स्टेशन से बनवाना है और एक SDM से, या तो उसके पीछे आते हैं या आपको लिख के देते हैं, तो सर्टिफिकेट आप साइबर कैफे वाले के पास में जाके निकलवा सकते हैं और उसको कंप्लीट करवा के फिर आप जमा करवाना। दोस्तों, साथ में आप सबसे क्षमा भी चाहते हैं कि कई बार हमने, जैसे मैंने दिसंबर लास्ट डेट दी थी उस पर नहीं आया तो आपको निराशा मिली, या और भी मैंने कई बार आपको बोला कि आ जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें बताई, तो उसके लिए ये था, क्योंकि अगर मैं पहले ही दिन आपके लिए ये बोलता कि मार्च या अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा या मार्च जुलाई में या जनवरी में आएगा, तो जिस दिन आप मेरे से जुड़े थे उस दिन आपको मैं केवल एक ही बात बोला था कि दिसंबर एंड तक फाइनल मेरिट आ जाएगी या तो जनवरी फर्स्ट में आ जाएगी, लेकिन जनवरी फर्स्ट में नहीं, लेकिन 20 जनवरी को फाइनल मेरिट आ ही रही है। दोस्तों, आपकी जिन लोगों के रिजेक्शन लेटर गए हैं उनकी भी कंप्लीट हो गई है। हाँ, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रीमेडिकल और मेडिकल, क्या इन दोनों की मेरिट साथ में आएगी, तो हाँ इन दोनों की फाइनल मेरिट साथ में आएगी, एक ही मेरिट बनेगी। अब जिन लोगों के और भी जो कन्फ्यूजन है कि जो नक्सल एरिया से, डिस्ट्रिक्ट एरिया से, जनरल एरिया से, उनके जो रिजल्ट जनरल एरिया से आ रखे हैं, अब वो नक्सल में है तो उनका क्या होगा, तो मैं बता दूं कि जो जनरल में जिनके रिजल्ट आ रखे हैं वो जनरल, अगर उनके मेरिट नहीं बन पाई तो फिर वो अपने जिस आरक्षण को, जो आरक्षण उनको मिलता है उस आरक्षण की लिस्ट में चले जाएंगे और वैसे उनकी लिस्ट बनेगी। जैसे OBC वालों की, जैसे मान लो 5000 पोस्ट रिजर्व है, OBC का बंदा कोई जनरल की मेरिट फाइट करता है तो जनरल में चला जाएगा, अगर उसका जनरल में नंबर नहीं आता तो वापस OBC में आ जाएगा, इसी प्रकार से रिजल्ट बनता है। तो दोस्तों, आपको कई बार हमने जो डेट दी थी वो गलत भी साबित हुई, जैसे मैंने खुद ने भी डेट दी थी कि दिसंबर लास्ट तक फाइनल मेरिट आ जाएगा, गलत साबित हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी था कि आप लोगों को, मुझे पता है कुछ मेरे को इतना भयंकर कमेंट करे थे, इतना दुखी होकर कमेंट करे थे, तो उन दोस्तों को संभालने के लिए या हमको जो लगता था कि दिसंबर फाइनल मेरिट आ जाएगी, ताकि आपको मोटिवेट करे रखने के लिए कुछ वीडियो मैंने ऐसे भी बनाए हैं,
कि जिसमें ये बोला कि भाई दिसंबर लास्ट तक आपकी मेरिट आ जाएगी। हर वीडियो में बोलता था क्या कि आप मोटिवेट रहो कि हाँ आ जाएगी। और आज देख लो मेरिट नहीं आई, लेकिन मेरिट की डेट ज़रूर आ गई है दोस्तों। तो अगर मेरिट आई या मेरिट की डेट आपके लिए खुशखबरी है, और जिनकी मेरिट की डेट आ गई है, अब कुछ लोगों को मैं आज ही बता दूं कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो कुछ लोगों का जिनका नंबर नहीं आएगा, और कितना बड़ा आंकड़ा वो भी अब सामने वाला आने वाला है। जो लोग मेरे को बोलते थे ना कि 85 ही मेडिकल फिट है, मैं उनको आज भी बोल रहा हूँ 1,00,000 मेडिकल फिट है, उसका आंकड़ा फाइनल मेरिट के बाद में आ जाएगा और मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको अपने चैनल पर। तो दोस्तों अब सतर्क रहे, सावधान रहना, आपने सावधानी से बरतें, घर परिवार में अच्छे से रहे, और आपका जल्दी से जल्दी, और मैं सभी के लिए आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। जितने मेरे भाई ये पढ़े लिखे मेहनत किए उनका, और जिनका कुछ मेरे दोस्त जो रह जाते हैं उनको निराशा नहीं झेलनी है और पढ़ाई भी नहीं छोड़नी। कुछ लोग ये बोलते हैं हमारी आखिरी वैकेंसी नहीं है, ज़िंदगी में हमेशा प्रयास करते रहना और इतनी मेहनत किए हो तो अगर कुछ रह भी जाते हैं आपके छोटे भाई तो उनको डिमोटिवेट नहीं करना है। और लगने वालों के लिए बहुत बहुत बधाई है कि जो मेरे दोस्त छोटे भाई अब कुछ ही दिनों में हमारी ये वर्दी पहन के हमारे साथ में होंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़रूर मिलेंगे। जो मेरे दोस्त CRPF में ट्रेनिंग करने वाले हैं उनको ज़रूर ट्रेनिंग ग्राउंड में हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो और ट्रेनिंग से संबंधित आपको फिर वीडियो बनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल से। ज्वाइनिंग लेटर जिनके अगर ज्वाइनिंग लेटर में कोई प्रॉब्लम आए, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आए, किसी प्रकार की समस्या आए जब ज्वाइनिंग लेटर आए, तो आप ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम ID मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, आज भी मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुँचे वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उनकी भी मैं मदद कर सकता हूँ दोस्तों। अगर किसी का ज्वाइनिंग लेटर मान लो पोस्ट ऑफिस वाला नहीं दे रहा या पोस्ट ऑफिस में नहीं पहुँचा, तो वो मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी, सर हमारा ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम है, मेरिट में नाम है, इस डिपार्टमेंट से है और मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो उनके लिए मैं ज़रूर जितनी मेरे से हो सकेगी, 100% मैं बोल रहा हूँ, हो सकेगी नहीं, अगर एक बार जिसका लिस्ट में नाम आ जाए वो मेरे को बता देना, फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं ज़रूर आपके लिए चाहे कहीं कैसे भी करूँ आपको ज्वाइनिंग लेटर 101% मिल जाएगा। तो जिनके चोट चोट लग रखी है वो अभी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन कराने की ना सोचे, जैसे हैं ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, साथ में आपका मेडिकल नहीं होने वाला है, अब मेडिकल नहीं होगा, सरसरी तौर पर ही मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये साल पूरी निकल जाती जनवरी या फरवरी मार्च अप्रैल मई तक अगर जाते तो मेडिकल होने के चांसेस बढ़ जाते थे, लेकिन अभी के हिसाब से आपका मेडिकल नहीं होगा, तो ये भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है 20 जनवरी को फाइनल मेरिट आने की वजह से, कि आपका मेडिकल इस जो वापस दोबारा मेडिकल होता है वो पूरा मेडिकल नहीं होगा, केवल सरसरी तौर पर, जो आपको जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था इससे पहले एक वीडियो कैसे हो सरसरी तौर पर कैसे मेडिकल होता है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज़रूर देख लेना कि किस प्रकार से सरसरी तौर पर मेडिकल होता है दोस्तों। तो बहुत बहुत बधाई, आपको डेट आ चुकी है, और क्या क्या जानकारी जानना चाहते हो आप ज्वाइनिंग से संबंधित, ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित, जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। जय हिंद जय भारत।